हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड हमारे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। पहले हमने देखा था गाउस एलिमिनेशन मेथड और उसके साथ साथ हमने समझा था पार्शियल पिवटिंग और कंप्लीट पिवटिंग। ओके, साथ में हमने कुछ मैट्रिक्स की बेसिक चीज़ें देखी थी कि कब उसमें नो सॉल्यूशन होते हैं, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और कब यूनिक सॉल्यूशन। ऑल दो ये काम के नहीं है इस टॉपिक में, वो आपके लीनियर एलजेब्रा में काम आएंगे, लेकिन वो हमने बेसिक ओवरव्यू देखा था। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं गाउस जॉर्डन मेथड। ओके, गाउस एलिमिनेशन मेथड था, उसमें हम क्या करते थे, जो आपका ए बी मैट्रिक्स था इसको कन्वर्ट कर देते अपर मैट्रिक्स में होता था। गाउस जॉर्डन मेथड डिफरेंट है थोड़ा सा, ये ए बी मैट्रिक्स का आपको चेंज करता है आई बी मैट्रिक्स में। ऑब्वियसली ये बी चेंज हो जाएगा आपका, सेम बी नहीं रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे जो कॉफिशियंट मैट्रिक्स ए है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, ये 3x3 की बात करें तो आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी इस टाइप की फॉर्म में। तो अगर आप इसके इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू बी वन बाई इक्वल टू बी टू जेड इक्वल टू बी थ्री। तो आपको लगेगा ये तो अच्छा मेथड है, इसमें आपको बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ा, नहीं तो उसमें एक एडिशन प्रोसेस होती ना गाउस एलिमिनेशन में, पहले आप ये करोगे इसके बाद होता है बैक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इस अकॉर्डिंग तो ये अच्छा मेथड है, लेकिन आपको यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स है ना वो आपकी बढ़ जाती है। 3x3 का तो ठीक है, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को आप जनरलाइज करो लाइफ में और आपके नंबर ऑफ वेरिएबल 10 हैं, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो कैसे करते हैं इसको, हम एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। अगर आप पी वाई क्यू देखोगे तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे, एक तो गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड और एक सिंपल गाउस जॉर्डन मेथड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको ध्यान से समझना। दोनों में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, ये कॉमन है। एक जो बेसिक डिफरेंस वो ये है जो गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन है इसमें फर्स्ट स्टेप होती है आप इसको अपर ट्रायंगुलर मेथड में चेंज करो। जस्ट लाइक आपकी जो गाउस एलिमिनेशन मेथड है उसके जैसा। फिर सेकेंड स्टेप होती है आप इसको डायगनल या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। तो दो टू स्टेप प्रोसीजर है आपका, ये गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन। इसमें एलिमिनेशन आ रहा है मतलब कि इसमें एलिमिनेशन वाले मेथड के कुछ एलिमेंट तो होंगे ही, उसमें पहला जो स्टेप है वो उसी का है। और अगर इस पे हम सिंपल गाउस जॉर्डन की बात करें तो इसमें हम डायरेक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये वो आपको दिखाते सॉल्व करते हैं। अगर आपने लीनियर एलजेब्रा पढ़ रखा है तो आपको ये काफ़ी इजी लगेगा। ओके, अगर नहीं पढ़ रखा तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है ये, बाकी है नहीं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें हम गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन की। इसके मैट्रिक्स फॉर्म कीजिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या बनेगी, वन 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 टू थ्री वन वन माइनस वन माइनस वन। अब आप कहेंगे कि इसमें हमने पिवटिंग क्यों नहीं की। देखिए
अगर आप फर्स्ट रो की बात करें, इसमें टू है, आप इसको ऊपर कर सकते हैं कि एलिमेंट को मैक्सिमम बनाने के लिए, तो ये फर्स्ट रो है वो सेकंड रो बन जाएगी। तो उसमें आप देखोगे कि सेकंड रो में मैक्सिमम एलिमेंट वन है। अगर सेकंड कॉलम की बात करें, देखिए आप पिवटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x1 + 3x2 + x3 = 6, ये बन गया इस टाइप से। बनेगा अगर आपने इस एलिमेंट की पिवटिंग कर दी, तो रिमेनिंग एलिमेंट को देखेंगे कि ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें चाहिए, पिवटेड फॉर्म में ऑलरेडी। लेकिन अगर आप जो ऑलरेडी गिवन प्रॉब्लम है ना इसको देखेंगे, तो ये भी पिवटिंग हो चुकी है, क्योंकि अगर आप सेकंड इसकी एलिमेंट की बात करें तो ये मैक्सिमम अपने केस में, इस कॉलम में ही मैक्सिमम है, तो आप इस कॉलम और इस रो को हटा दीजिए, आप बाकी के लिए पिवटिंग कीजिए, ये ऑलरेडी सेटल्ड है, तो इसमें डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो। अब पिवटिंग से हमेशा आंसर में डिफरेंस नहीं आता है, आपको इसे लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहे थे, चाहे हमने पिवटिंग की या फिर नहीं की। बस डिफरेंस क्या आता है कि जो सर्टन केसेज हैं जिनमें गलती होने के चांस रहते हैं, हम उनको अवॉइड कर देते हैं, और साथ ही साथ जो मेथड की एक्यूरेसी है वो आपकी बढ़ जाती है, और स्पीड भी, आपका आंसर जल्दी आएगा। हो सकता है आपको लास्ट जो एग्जाम्पल था उसमें दोनों स्पीड डिफरेंस नहीं दिखा हो, तो सर्टेन एग्जाम्पल होते हैं इसमें आपको नहीं लगेगा कि कोई डिफरेंस आया है पिवटिंग करने से, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, इसलिए आपको पिवटिंग, एटलीस्ट पार्शियल पिवटिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। चलिए अब अगर हम पहले अप्लाई करते हैं गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन, यही था क्वेश्चन। तो इसका पहली स्टेप क्या थी गाउस एलिमिनेशन की, जिसमें हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आर टू क्या लिखेंगे, आर टू माइनस टू आर वन, क्योंकि इस एलिमेंट को 0 बनाना है, और आर थ्री क्या हो जाएगा, आर थ्री माइनस आर वन। चलिए जी, इस रो में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आपका 0 हो गया, वन 0 -2 -2 -6। ओके अब क्या करेंगे, रो इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, रो 3 हो जाएगा R3 + 2R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। ईजी है, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं हुआ, सेकंड में भी कोई चेंज नहीं, और थर्ड में ये 0, और ये हो गया -4 एंड दिस इज -6। आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो चुका है, मतलब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, सेकंड स्टेप कहता है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके तो यहाँ पे डायगनल एलिमेंट देखो, ये वन है, ये वन है ऑलरेडी, इसको भी वन कर सकते हैं हम, तो इसी में साथ में लिख दीजिए कि R3 = इसमें नहीं आया कि नेक्स्ट स्टेप लिखनी चाहिए आपको, R3 = R3 - 4, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 1 1 3 0 1 - 1 0 0 0 1 and 3/2। ओके अब इसको हमें चेंज करना है डायगनल में, इन एलिमेंट को 0 बनाना पड़ेगा जो ये ऊपर नॉन जीरो है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ R1, पहले इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 - जो 0 आएगा उससे कुछ चेंज होगा नहीं, इस एलिमेंट पे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो हम इसको 0 बनाते हैं और इसको 0 बनाते हैं। R1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 - R3, और R2 के लिए R2 + R3, 1 और -1 0। ओके
कन्वर्ट कीजिए। ये हो गया वन, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि वन माइनस जीरो वन रहेगा। दिस इज जीरो जीरो वन जीरो 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 वन, ये हो जाएगा थ्री बाई टू, और ऐड करने पर थ्री बाई टू। ओके, अब इस एलिमेंट को जीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आर वन माइनस आर टू, आर टू इक्वल टू आर वन माइनस आर टू करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। वन जीरो 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 वन, हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो आ गया, ये थ्री बाई टू, दिस इज थ्री बाई टू। अब सॉल्व कीजिए, एक्स वन इक्वल टू जीरो, एक्स टू इक्वल टू थ्री बाई टू, एक्स थ्री इक्वल टू थ्री बाई टू। तो आप चाहें तो इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कराकर देख लीजिए इस इक्वेशन में, तो आपका देखोगे सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब आप कहोगे कि गाउस जॉर्डन में आप कह रहे हैं जो डायरेक्टली इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, तो ऐसा क्या कर देंगे हम इसमें कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। देखने में तो लग रहा है कि ये भी स्टेप बाय स्टेप गए हैं और डायरेक्टली आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया है ना, लेकिन इसमें डिफरेंस आता है इस स्टेज पर, ये वाला जो स्टेज है। ये देखिए, हमने पहले इसको अपर ट्राइंगुलर में चेंज करना था, इसलिए ये एक स्टेप लिखी। ओके, लेकिन अगर गाउस जॉर्डन होता तो हम क्या करते, ये नहीं लिखते, इसकी जगह हम लिखते आर थ्री इक्वल टू आर थ्री प्लस टू आर टू। अरे ये तो सेम लिख दिया, क्योंकि सेम इसलिए आइडेंटिटी बनाने के लिए इस कॉलम में इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। इस कॉलम के दोनों जीरो ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि गाउस एलिमिनेशन में भी सेम है, सॉरी गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन में भी सेम आएंगे और गाउस जॉर्डन में भी सेम आएंगे, लेकिन गाउस जॉर्डन में हमें इन दोनों को जीरो बनाना है और हमारे पास बाउंडेशन नहीं है कि हमें पहले इसको अपर ट्राइंगुलर में चेंज करना है, तो हम डायरेक्टली कर देंगे। ये स्टेप तो होगी ही होगी, साथ में होगी आर वन इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, इससे आपका जो ये वाला एलिमेंट है वो भी जीरो बन जाएगा। तो इसमें आप वन बाई वन सारे कॉलम को जीरो बनाते हैं, ठीक है। तो आर वन माइनस आर टू करेंगे तो ये हो गया जीरो, दिस इज टू, और ये थ्री माइनस जीरो थ्री, वन माइनस वन, इसमें प्लस करेंगे तो टू, लिस्ट करेंगे तो माइनस फोर जीरो, इसको प्लस करा तो माइनस सिक्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वही था, इसको यूनिट एलिमेंट में कन्वर्ट करो। अगर ये तो कोइंसिडेंट है कि आपके ये दोनों एलिमेंट वन है, अगर ये एलिमेंट वन नहीं होते, आप इनको पहले यूनिट में कन्वर्ट करते, उसके बाद ही ये रो ऑपरेशन, ये एलिमेंट रो ऑपरेशन है, इनको अप्लाई करते। ओके, तो ये कन्वर्ट करने पे क्या आया, वन जीरो टू थ्री जीरो वन माइनस वन जीरो जीरो वन जीरो थ्री बाई टू, ये आ गया आपका। अब दो कॉलम आपके यूनिट में कन्वर्ट हो चुके, थर्ड को कन्वर्ट करना है, क्या स्टेप लेंगे, आर वन इक्वल टू आर वन माइनस टू आर थ्री। आपको हमेशा वो रो लेके चलने यहाँ पर जिससे आप घटाएंगे, ऐसे अगर इस केस में इसको ले लेंगे, सेकंड रो को लेंगे तो प्लस आर वन इक्वल टू आर वन प्लस टू आर टू करने से ये एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इस एलिमेंट की जगह भी टू आ जाएगा। इसलिए हमेशा जिस रो के सारे एलिमेंट जीरो हो चुके हैं एक्सेप्ट तक की एलिमेंट, आप उसी रो को अप्लाई यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रो
वन का एलिमेंट को जीरो करने का स्टेप आ गई, और इस एलिमेंट को जीरो करना हो रो टू वाली, तो ये हो जाएगा आर टू इक्वल टू आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, कीजिए 1 0 0 0 1 0, आर वन माइनस टू आर थ्री ये जीरो, आर टू इक्वल टू आर टू प्लस आर थ्री जीरो, इसमें अप्लाई कीजिए तो 3 माइनस 3 0, दोनों का एडिशन करने पे 3/2, 3/2। अब कंपेयर कीजिए, ये दोनों सेम है, आपका आंसर भी सेम आएगा है ना। लेकिन आप देखिए इसमें आपको कितनी मैट्रिक्स बनानी पड़ी, 1 2 3 4, और अगर गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ मैट्रिक्स बढ़ गई ना अपनी, तो इसलिए बोलते हैं कि हम गाउस जॉर्डन में डायरेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाते हैं, और गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन में स्टेप बाय स्टेप पहले आप अपर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो आई होप दोनों मेथड क्लियर है। ये जो क्वेश्चन है आपको गाउस जॉर्डन से ट्राई करना है, आप खुद ट्राई कीजिएगा, और आप इसमें क्या करेंगे पिवटिंग भी कर सकते हैं पहले, उसके बाद आप मेथड को अप्लाई कीजिएगा। ओके, इजी मेथड था। अब गाउस जॉर्डन मेथड की एक नई एप्लीकेशन आती है, वो होता है फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स का इनवर्स पता लगाने के लिए ऑलरेडी हो सकता है आपको कई टेक्निक मालूम हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि गाउस जॉर्डन से कीजिए तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। चलिए, आपको पता है कि आप किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इंटू आई, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इंटू आई। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई आई हो गया इस टाइप से, तो काइंड ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम इनवर्स फाइंड करते हैं ऐसे। अगर हम ऐसी मैट्रिक्स लें कि जिसमें ए मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये इस साइड ए मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, अगर इसमें रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, आई इंटू कोई नई मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे बी, अगर आप ए मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करते हैं जैसे हमने अभी किया ना ऊपर, ये आइडेंटिटी में चेंज हो गई, तो इधर भी जो बी की एलिमेंट थी वो चेंज होते गए थे, तो इधर जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये चेंज होके बी मैट्रिक्स बन जाएगी, तो फिर जो आपकी बी मैट्रिक्स होगी यही आपकी ए इनवर्स होती है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। इनडायरेक्टली आप रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करते हैं इस तरीके से, और ये गाउस जॉर्डन मेथड है ना कि गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन, तो फिर आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, ना कि पहले अपर ट्राइंगुलर में और फिर उसके बाद आइडेंटिटी में, आपको डायरेक्ट करना है। दूसरी जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हमेशा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने, और जो कॉलम ऑपरेशन है वो यूज नहीं करने हैं। आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ोगे कि आप कॉलम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं जैसे सी वन इक्वल टू सी वन माइनस टू सी टू, लेकिन आपको जो गाउस जॉर्डन मेथड है इसमें कभी भी कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करने। कॉलम ऑपरेशन से क्या होता है, देखिए आपने यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन यूज किया, आपको अगर इस एलिमेंट को जीरो बनाना है क्या कर सकते हैं, सी टू इक्वल टू सी टू माइनस सी वन कर सकते ना, इससे भी एलिमेंट जीरो बन जाएगा, लेकिन ऐसा करने से
आपका राइट हैंड साइड में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो हमारा इसमें कंसर्न ये रहता है कि आप राइट हैंड साइड में भी कुछ चेंजेस लाएं। जैसे इसमें नोट साइन करना है ना, तो आपको राइट हैंड साइड में भी करस्पॉन्डिंग चेंज आने चाहिए, तभी आपका इनवर्स फाइंड होगा। पहले सॉल्व करने का ट्राई करते हैं इसको। इसमें आपको पिवटिंग की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि डायरेक्टली आपको मैट्रिक्स दी और आपको उसको इनवर्स निकालना है। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई 6 6 6। आप भी साथ ही साथ कॉपी में बना गए हैं और सॉल्व करने का ट्राई करें। यहाँ पे आई आएगा, थ्री ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब आपका एम है पहले कि इन दोनों एलिमेंट को जीरो करो। R2 = R2 - R1 और R3 = R3 - R1। ये दो ऑपरेशन करने के बाद आप ये एक और ऑपरेशन कर सकते हैं, R1 = R1/2, क्योंकि इसको यूनिट में चेंज करना है ना, तो अपन साथ ही लिख सकते हैं अगर आपको स्पेस बचाना हो कॉपी में। पहला ऑपरेशन क्या है? R2 - R1 सब्ट्रैक्ट करो, ये बनेगा। दूसरा क्या है? R3 = R3 - R1, 0 0। और थर्ड ऑपरेशन क्या है? R1 = R1/2। अब राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेशन अप्लाई करो। पहले R2 - R1, ये -1, इसको अप्लाई करेंगे तो ये भी -1 होगा। R3 = R3 - R1। थर्ड ऑपरेशन R1 = R1/2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। पूरी रो में हमने अप्लाई किया है, लेकिन अलग अलग तरीके से बनाया है ताकि हमें गलती ना हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकेंड कॉलम है, इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है। एक तो हम कर सकते हैं R2 = R2/2, और ये करने के बाद क्या कर लेंगे? R1, ये एलिमेंट देखो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, इस पर आपको जीरो बनाने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करना। तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? ऑपरेशन R1 - 3R2, है ना, क्योंकि ये 1 में कन्वर्ट हो चुका है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ही वो जीरो होगा। तो पहला ऑपरेशन R2/2, ये क्या बन गया? ये हो गया दूसरा R1 - 3R2। तो 1 - 0 0, 3 - 3 0, ये भी 3। और सब्ट्रैक्ट कीजिए 3 से मल्टीप्लाई करके, ये 1/2 है तो ऊपर हो जाएगा 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके -3/2, 0 का 0। रो 3 में कोई चेंज हमने नहीं किया, ये एज इट इज रहेगा। ओके, अब देखिए दो कॉलम आपके यूनिट में चेंज हो चुके हैं, थर्ड कॉलम को करना है। तो R3 = R3/2, और दूसरा ये 1 में चेंज हो गया, इसके बाद इसको करना है 1 0 0 करना है, R1 - 3R3। चलिए बनाते हैं। पहले ऑपरेशन डिवाइड बाई 2, 3 - 1/2, 0 एंड 1/2। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है किसी ऑपरेशन से, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ओके, अब थर्ड सेकेंड ऑपरेशन क्या था? R1 - 3R3, तो ये तो 1 - 0 0, ये भी 0 आएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0 होना ही था, कि हमारा पर्पज ही है ऑपरेशन ऑपरेशन ही इसलिए किया है, सोचना ही नहीं इसमें तो। लेकिन इधर सोचना पड़ेगा आपको। देखिए ऑलरेडी यहाँ 2 था ऑलरेडी, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 3/2, ये हो गया आपका 7/2। 0 को सब्ट्रैक्ट करने में कोई चेंज आएगा नहीं, -3/2 रहेगा, ये हो जाएगा -3/2। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी जो इनवर्स मैट्रिक्स है वो बन जाएगी ये वाली, ये होगा A इनवर्स।
अब कभी कभी क्या होता है ना, आपने इतना मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन कई बार गलती हो जाती है आपके सॉल्व करते टाइम बीच में, क्योंकि चाहे एलपीपी हो या फिर न्यूमेरिकल मेथड हो, इन दोनों टॉपिक में क्या है, आपके वैल्यू छोटी छोटी होती है लेकिन नंबर ऑफ ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली मैट्रिक्स वाले, तो इसमें कई बार जोड़ भागे में गलती हो जाती है, स्पेस आपका लिमिटेड मिला बाई चांस, कभी कभी यूपीएससी में स्पेस ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, तो थोड़ा डाइसी गेम है। अगर स्पेस कम मिला और आपने मेरी तरह ऐसे सॉल्व किया और गलती होने के चांस हैं, तो हमेशा क्या करना है, जब आपको टाइम मिले कैलकुलेटर की हेल्प से इसका इन्वर्स निकालना है, और फिर इससे क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपने जो गॉस जॉर्डन से निकाला है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। इस टॉपिक में आपको भरपूर कैलकुलेटर का यूज़ करना है जहाँ भी पॉसिबल हो। कई क्वेश्चंस में आप कैलकुलेटर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाए तो, लेकिन आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले पार्ट देखेंगे ना, जिसमें हमें ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, उसमें भी काफ़ी बार हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, और सही ना भी हो तो, हालांकि मैं भी सजेस्ट करूंगा कैलकुलेटर से जो आपका आंसर आया फाइनल में आप उसी को लिख दें, चाहे आपसे अगर ऊपर गलती हो रही हो तो। बस बशर्ते ये है कि आपको कैलकुलेटर का यूज़ आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया वो गलत निकाल दिया, जबकि आप ऐसे कर रहे हैं वो सही निकाल रहे हैं आंसर। ओके, कैलकुलेटर का यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। जो आपको वीडियोस लिंक रेफर की गई आप उनको जरूर देखिए, और उनसे प्रैक्टिस भी करनी है, एक लास्ट डे पर नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके यहाँ पे दो मेथड फिनिश हो जाते हैं, इनडायरेक्टली तीन खत्म होते हैं, कौन कौन से? गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन एंड थर्ड गॉस जॉर्डन। ओके, तीन मेथड आपके यहाँ फिनिश होते हैं। आपका जो फोर्थ मेथड है तो बोलते हैं हम गॉस सिडल मेथड। ये तीनों मेथड थे डायरेक्ट मेथड। आप अगर देखोगे ना तो आपके डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं इसमें, एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस, जेड इक्वल टू दिस, लेकिन गॉस सिडल मेथड में आपको इटरेशन करना पड़ता है, तब आपका आंसर आता है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेथड को समझते हैं क्या है। इस मेथड की हल हिंट मैंने हल्की सी पहले भी दी थी आपको, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, दिया हुआ एन वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन हम तीन को लेकर समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम चार तक पूछेंगे, लेकिन अगर चार से ऊपर नहीं आता नहीं तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फिर नंबर ऑफ इटरेशन बहुत बढ़ जाएंगे। तो चलिए ये मान लेते हैं आपका एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जिसमें आपके पास तीन वेरिएबल हैं और तीन ही इक्वेशन हैं। एटलीस्ट ये तो आपको उसमें क्या कहते हैं रिलीफ रहता है कि आपने नंबर ऑफ वेरिएबल और इक्वेशन सेम रहते हैं, तो आपको कुछ पाटा पीटी नहीं करनी। ओके, तो इटरेटिव मेथड है, तो हमेशा उसमें आप एक इनिशियल कुछ मान के चलोगे, डायरेक्टली तो आप सॉल्व नहीं कर सकते ना, इनिशियली तो आपको कुछ लेना पड़ेगा जो आप अज्यूम करोगे कि हाँ ये आंसर हो सकता है। मान लो आप तीनों को 0 0 ले लो, या फिर 1 1 1 ले लो, कुछ भी आप ले सकते हैं। आपको इनिशियली कैपिटल एक्स 0 0 इटरेशन आपने ज़ूम किया, अब आपको नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? आप हर एक क्वेश्चन में एक की एलिमेंट बनाएंगे, जो तो डायगनल एलिमेंट होते हैं जनरली उन्हीं को की एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को की वेरिएबल के टर्म में लिख दो, x1 इक्वल टू क्या आएगा,
बी वन अपॉन ए वन वन माइनस ऑफ ए वन थ्री एक्स थ्री। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें बस छोटा सा चेंज करना है, जो आपका एक्स वन है वो होगा आई प्लस वन इटरेशन, और इधर जो वैल्यू होगी वो आपके लास्ट इटरेशन की होगी। नहीं, पावर नहीं है, इटरेशन का नंबर है। ओके, अब जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या होगी, उसको एक्स टू की टर्म में लिखेंगे। कौन सा इटरेशन? आई प्लस वन, ये क्या बन गया, बी टू अपॉन ए टू टू माइनस ऑफ ए टू वन एक्स वन, बाहर क्या आएगा, ए टू टू। अब यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पर हम पुराना इटरेशन ना लेके एक्स वन के लिए नया इटरेशन लेंगे, क्योंकि तो हमारे पास नई वैल्यू आ चुकी है लास्ट इटरेशन से, लेकिन एक्स थ्री का हमने अभी तक नेक्स्ट इटरेशन नहीं किया, इसलिए एक्स थ्री की वैल्यू सेम रहेगी जो आई थ्री इटरेशन में थी, जबकि एक्स वन की हो जाएगी आई प्लस वन इटरेशन वाली। ओके, अब आप बताइए मेरे को कि अगर हम नेक्स्ट वेरिएबल के लिए इटरेशन लिखें तो उसमें क्या वैल्यू होगी? इसमें की एलिमेंट क्या है, ए थ्री थ्री एक्स थ्री, तो ये नेक्स्ट इटरेशन हो जा रहा है एक्स थ्री आई प्लस वन। ये मैंने आपको केवल तीन वेरिएबल के लिए मेथड लिखा है, इसी को आप जनरलाइज करके एन वेरिएबल के लिए लिख सकते हैं, लेकिन आपका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो मैं आपको डिटेल में इतनी थ्योरी पढ़ाऊं वो काम की नहीं है, और मैं आपको कॉम्प्लेक्स से सॉल्यूशन उनकी इक्वेशन बना के दिखाऊं, जिसमें आप सिग्मा आई इक्वल टू जे इक्वल टू जीरो से एन तक करें, जिसमें एक्स ऑफ ये ए आई जे लेके एक्स आई लेके आई प्लस वन ऐसे इक्वेशन बनाए, उसका मीनिंग नहीं है। मेन चीज़ है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और कंसेप्ट सिंपल है, आपको एक जो की एलिमेंट है रो का उसके जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है उसको अदर वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस करना है, और जो वेरी इटरेशन आपका चल रहा है और जिसकी इटरेशन की वैल्यू आपको पता लग गई आपको उस वैल्यू को पुट करना है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, जो अपने पास क्यू आई क्यू है ये वाला। कभी कभी क्या होता है ना, आपको एग्जाम में दिया हुआ है ऑफ शेड्यूल में कि या तो इनिशियल वेक्टर दे दिया जैसे इसमें दे रखा है, तो ये काफ़ी इजी हो गया, या फिर आपको दिया होगा कि आपको तीन बार इटरेशन करना है, या फिर आपको बोला जाएगा कि चार बार इटरेशन करना है, या फिर दूसरा क्या होता है मेथड कि आपको बोला जाएगा कि जो आप इटरेशन कर रहे हो इट शुड बी करेक्ट अप टू थ्री डेसिमल। आपको याद है वो एरर वाला फंडा, आपको इटरेशन ऐसे फाइंड करना है कि जिसमें डेसिमल के बाद तो तीन पॉइंट है, मान लो एक्स आपका आया 5.3146, अगर आपका एक्स का थर्ड इटरेशन, और अगर आप एक्स का फोर इटरेशन निकालो ना तो वो भी तीन डेसिमल ही चेंज नहीं होनी चाहिए, केवल दूसरा चेंज होना चाहिए, और वो भी कितना चेंज हो सकता है, फाइव की रेंज में, मतलब कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 × 10 की पावर माइनस फोर, तब जब आपको तीन डेसिमल तक करेक्ट आंसर चाहिए। अगर चार डेसिमल तक चाहिए तो फिर 5 × 10 की पावर -5 हो जाएगा, इजी है। चलिए, तो इसमें बोला कि गाउस सीडल इटरेटिव स्कीम से हमको तीन बार इटरेशन करना है, जिसमें इनिशियल वेक्टर ये है, साथ ही साथ हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है और कंपेयर करना है कि इटरेटेड सॉल्यूशन से कितना डिफरेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ इसमें एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं अगर आप देखो तो। ओके, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे अपने पिवटिंग के थ्रू,
431 करेक्ट प्लेस पर है, 151 ये भी करेक्ट प्लेस पर है, 213 ये भी करेक्ट प्लेस पर है। तो ऑलरेडी पिवोटेड फॉर्म में इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके कभी कभी क्या होता है, आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और 2021 में क्वेश्चन आया था, आपको ऐसे मैट्रिक सिस्टम दिया हुआ था, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई थी, और फिर पूछा था कि चेक कीजिए कि गाउस सीडल जो मेथड है वो एप्लीकेबल है या नहीं। तो आप ये कैसे चेक करोगे कि वो एप्लीकेबल है या नहीं, इसका सिंपल फंडा होता है कि गाउस सीडल मेथड एप्लीकेबल तब होगा जब मैट्रिक्स या तो डायगोनली डोमिनेंट हो और पॉजिटिव डेफिनेट हो। ये पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट क्या होते हैं, ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम इस टर्म पर फोकस करते हैं कि मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। अब मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी डायगोनली डोमिनेंट। ये देखिए, अगर किसी भी डायगोनल एलिमेंट जो कि की एलिमेंट है, जैसे कि ये वाला की एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उसके जो बाकी कोफिशियंट है उन दोनों का एडिशन इस खुद के कोफिशियंट से कम हो, तो कम है 3+1 4, 5 से कम है 4। ऐसे इस केस में की एलिमेंट इसका डायगोनल एलिमेंट ये 4 is greater than 1+2, और यहाँ पे 3 is greater than 1+1। उसका मतलब हम गाउस सीडल मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल है, और इनिशियल सॉल्यूशन भी हमको दिया हुआ है 0,0। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका इनिशियल सॉल्यूशन हो गया। ओके और जो मैट्रिक्स थी वो आपकी पहले ही सही फॉर्म में है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। आप अगर कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आपकी इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। नेक्स्ट आपका स्टेप आएगा वाई आई प्लस वन इक्वल टू 7y5 - 1y5 3x(i+1+z), और जो थर्ड होगा आपका जेड इक्वल टू 1 - 1/3 z(i+1)। ओके ध्यान रखना x(i+1+y)i+1। ओके अब आप कहोगे कि हम एक एक करके इसमें वैल्यू निकालें, पहले एक्स वन की निकालेंगे, फिर वाई वन की निकालेंगे, फिर जेड वन की निकालेंगे, और हर स्टेप पे आपको वैल्यू चेंज करते रहना है। तो ये फॉर्म अगर प्रोसीजर को आप मैन्युअली करते हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके सॉल्व करने से पहले आप कैलकुलेटर की वीडियो देखेंगे कि गाउस सीडल मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें आप ये एक इक्वेशन डिफाइन करते हैं 3 वेरिएबल बना के, ए बी सी, उसके बाद इन 3 इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, और उसके बाद सक्सेसिव आपके आंसर आते रहेंगे। चलिए मैं अपना पर्सनल कैलकुलेटर यूज करता हूँ, मैं बोलता रहूँगा और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास जो कैलकुलेटर है वो है FX991EX। ओके ऑन करते हैं। सबसे पहले वैल्यू स्टोर करते हैं ABC की। इनिशियल इटरेशन क्या है अपना, 0,0 जीरो स्टोर बटन ए, AC बटन दोबारा 0 स्टोर B, अगेन AC 0 स्टोर C AC। आपके पास तीनों वेरिएबल ABC में स्टोर हो चुके हैं। अब इस इक्वेशन को टाइप कीजिए, x i+1 आपको टाइप नहीं करना, इस इक्वेशन को टाइप करना है। ओके 1 - 0.25 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में B, y क्या है B+2C ब्रैकेट क्लोज। अब करेंगे इक्वल, इक्वल टू बटन दबाइए तो आपका आएगा
एक्स वन इक्वल टू वन। साथ ही साथ में ये करने के बाद आपको स्टोर बटन दबाना है और ए दबाना है, जिससे कि आपकी ये नई एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक ए में स्टोर हो गई। ठीक, अब ए सी बटन दबा के सेकेंड इक्वेशन टाइप कीजिए, 7/5 माइनस 1/5 हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3a, और आप ध्यान दीजिए नई वैल्यू ऑलरेडी हम स्टोर कर चुके, जब इक्वल टू दबाएंगे तो नई वैल्यू से कैलकुलेट होगा 3a प्लस जेड की जगह सी। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर में टाइप किया है 7/5, सेवन कैलकुलेटर में ऐसे सिंबल नहीं आता, 7/5 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 3a प्लस सी। ओके, अब आप इक्वल टू बटन दबाएंगे आप आएगा 4/5, फिर दबाइए आप STO बटन और फिर टाइप कीजिए, वो बटन दबाना है B वाला, आपके B में स्टोर हो जाएगी ये वैल्यू, हो गई। अब दबाएंगे AC का बटन। ठीक, अब हम थर्ड इक्वेशन टाइप करते हैं अपनी, वो है जेड की 1 माइनस तो ब्रैकेट 1/3 ब्रैकेट, इसलिए ताकि वो गलती ना हो, एक्स प्लस वाई की जगह ए प्लस बी। आप वेरिएबल कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ABC लिए, मैंने टाइप किया यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे कैलकुलेटर की पे, यहाँ पे ए प्लस बी जो है ना नई वैल्यू है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके नई वैल्यू को, इक्वल टू टाइप कीजिए आप पाएगा 2y5, दोबारा स्टोर कर दीजिए इसको सी में, कर दिया, अगेन AC बटन। तो आप देखिए आपका नया इटरेशन क्या आ गया, नया आ गया, और आपको नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करना है। हिस्ट्री में जाइए और आपके पहले इक्वेशन देखिए, आप देखिए पहले इक्वेशन जो थी ना ये वाली, आपको कैलकुलेटर में टाइप की होगी, टाइप करने पर आपका आएगा ये 1 माइनस 0.25 इंटू बी प्लस 2c। तो जो बी और सी है, वाई और जेड, इसकी नई वैल्यू ऑलरेडी हम स्टोर कर चुके हैं, एंटर टाइप इक्वल टू टाइप करेंगे तो आएगा 3/5। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले आप इसको स्टोर करेंगे ए में। ओके, कर दिया AC बटन, दोबारा हिस्ट्री में गए, बी वाली इक्वेशन फाइंड की, इक्वल टू दबाया, 2 आएगा आपका 24/25, स्टोर कीजिए बी में, AC बटन, सी वाली इक्वेशन फाइंड की, इक्वल टू दबाया, Z2 आएगा 12/25। ईजी हो गया ना प्रोसेस, दोबारा इसको स्टोर कीजिए सी में, कर दिया, सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, ए वाली इक्वेशन फाइंड करके नया इटरेशन फाइंड कीजिए, स्टोर कीजिए ए में। अब देखिए ध्यान रखिए ऑन बटन नहीं दबाना कभी भी, हमेशा AC, ये आया और Z3 आएगा, स्टोर करना पहले, स्टोर कर दिया, Z3 आया 62/125। ओके, अगर आप इनको देखो तो आपको क्या लग रहा है एक्चुअल आंसर क्या होगा, 1/2, 1/2 लग रहा है ना, और क्वेश्चन में बोला भी क्या एग्जैक्ट आंसर फाइंड कीजिए, तो आप जो भी आपका नोन मेथड है उससे आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, चाहे वो मैट्रिक्स मेथड हो सकता है AX=B से X=A−1B, या फिर आप गाउस एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, गाउस जॉर्डन मेथड लगा सकते हैं, किसी भी मेथड से आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जो मैंने कहा कितना आएगा 1/2, 1/2, 1 एंड 1/2, आप उसको सेटअप से करके देख सकते हैं, देखिए 2 1 1 पूरा गया, मतलब कि अपन सही जा रहे हैं। उसके बाद जो अपना ये एक्चुअल आंसर आएंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो आएंगे, इनसे आप जो आपका फाइनल इटरेशन आया है इसको कंपेयर कीजिए, तब आप एडिशन लिख दोगे कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एक्चुअल एग्जैक्ट आंसर, और आप एरर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं,
एक्स वन में आएगी 1/50, इसमें आएगी 1/125 और इसमें आएगी 1/250। इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट होगा, एरर भी मेंशन कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जाम में। ओके, स्पेस का थोड़ा ध्यान रखें, अगर आपको स्पेस कम लग रहा है तो जो सेम चीज़ हमने अलग अलग लिखी है ना, इसको आप टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं तीनों इटरेशन को। ओके, चलिए यहाँ पे हमारे सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।